बाजगिल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, अपना सब कुछ यानी बड़ी सैलरी छोड़ के आता है पाकिस्तान, उसको नंगा करके जो तशद्दुद किया गया, उल्टा लटकाया गया, यानी उसने जुर्म क्या किया था? कोई हमें बताए जुर्म क्या किया था उसने? और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इंसाफ के निजाम ने उसके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। उसके ऊपर मजीद और केसेस कर दिए गए, कभी वो कराची जा रहा है तो कभी बलूचिस्तान में केसेस कर रहे हैं, तो कोई यानी किधर गए हमारे फंडामेंटल राइट्स? कौन से मुल्क के अंदर जिस जो अपने आप को जमहूरियत कहता है वहां लोगों से ऐसे होता है जो उससे हुआ? अभी तक वो रिकवर नहीं किया शहबाज गिल, अभी तक जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया अभी तक उसका असरात उसके ऊपर है, कोई उसको इंसाफ मिलने की आस पास से कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि अभी भी केसेस भुगत रहा है वो। और एक आदमी जो मुल्क की मदद करने आया था, अपनी से बड़ा आइडियलिज्म लेके आया था, वो पैसे खर्च कर रहे वकीलों के ऊपर अपने केसेस के ऊपर। मैं उसकी इसलिए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि शायद मुल्क के गद्दार हों, कोई दहशतगर्द हों, तो शायद उनको तो ऐसे ट्रीट करते हों, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी, एक स्टेटमेंट के ऊपर उसके ऊपर ये जुल्म किया गया।